30 फीट से गिरना है, अगर इसके ऊपर से कर लो तो बहुत होगा उसके लिए। काट कैसे रहा है? काट रहा है? ये चमगादड़ मुझे नाली में पड़ा हुआ मिला था, इसको कुछ दिन हमने खिलाया पिलाया, इसको विटामिन सप्लीमेंट के इंजेक्शन भी लगवाए, और अब बारी थी इसको रिलीज करने की। और इसको रिलीज करने के लिए हमें बताया गया कि इसको हमें कुछ हाइट से छोड़ना पड़ेगा और फिर ये उड़ेगा। अरे सुधांशु आराम से भाई, तुम पीछे में तो, पीछे में तो ना, एक मिनट डर लगा, विंग का ना चिपकी हुआ था। रेडी भाग, कुछ क्या भाई, उड़ने शुरू हो जा। नहीं उड़ा यार ये तो, अब इसका क्या करेंगे हम? अब ये एक ही दम से तो उड़ा नहीं, तो हमने रात को इसको फिर पेड़ पे छोड़ा। और रिश्तेदार चार हो रहे हैं ऊपर, और देखो देखो उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, चढ़ गया वो, देखो। ओके चलो ये पेड़ पे तो गया। अब अगले दिन सुबह ये पेड़ पे नहीं था, तो ज्यादा चांस तो यही है कि ये रात को उड़ गया होगा। लेकिन एक छोटा चांस ये भी है कि कोई और जंगली जानवर इसको खा गया। लेकिन क्या है कि जिन पशुओं को जंगली जानवर खाते हैं ना, वो मरने से पहले हर दिन कम से कम आज़ादी से जीते हैं, लेकिन जिन पशुओं को हम खाते हैं वो मरने से पहले भी हर रोज तिल तिल के मरते हैं। ये बड़ी है हमारा ना, इसको इसको ऐसे ऐसे करते हैं। मेरे बड़ी, मेरे बड़ी है, ऐसे नहीं करते ना बच्चे। यहाँ दे ये गुरु, पता क्या बोल रहा, सुन ले मेरी बात बच्चे, मुन्नो ऐसे करना है ना हमने। अच्छा तो अच्छा बता दे मेरे को, मजर नहीं पहनना हमने, ऐसे नहीं करवाना हमने, तो कैसे करेंगे बता दे। ये देखो गुरु है, ये तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसा कर, ऐसा बैठ जा सेट, कैसे चलेगा फिर काम हमारा बता दे मेरे को। ऐसे हम ही करेंगे तो हैं, लोगों पे क्या असर होगा आपका, लोग सोचेंगे बदतमीज है लड़का इनका, फिर कहना तो मानना पड़ता है ना, बच्चे नहीं मानेंगे कहना तो कौन मानेगा, ये बता दे कौन मानेगा बताओ मेरे को। अब बड़ी अगर सड़क पे जाएगा तो ना समझ लोग इसकी शक्ल देख के भयभीत होंगे, पर समझदार लोग इसको देख के खुशकिस्मत महसूस करेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी जैसी भी है कम से कम हमारे साथ ये तो नहीं हुआ। तो बड़ी को अडॉप्ट करिए और रोज़ खुशकिस्मत महसूस करिए। एक्टर्स जिसको हमने बंडी चौक से रेस्क्यू किया था एलएसडी की वजह से, उसके शरीर में जितने लम्ब्स थे वो फट के ओपन वुंड बन चुके थे, और उसके सामने वाले पैर में भी एक बहुत लंबा और गहरा घाव था, दोनों बहुत अच्छे से हील हो गए, उसे अभी रिलीज करने जा रहे हैं। अब जब तक हमारा फोकस अपनी सफरिंग पे रहता है ना, तो कभी हम अपनी जॉब, कभी जगह बदलते हैं, एक गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी ले आते हैं, पर जब हमारा फोकस दूसरों की सफरिंग पे होता है तो हम एक घायल बैल के बदले दूसरा घायल बैल ले आते हैं। उसके पीछे के पैर में है ना साहिल, उसको एक्सीडेंट में छिल छिल जैसे छिल जाता है ना, स्किन स्किन निकल गई ऊपर से ना, तो उसको लेने जा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। आओ सर आओ। इसको पैर में चोट आई थी, तो हमने सोचा कि इसको पकड़ते हैं, पर पकड़ा नहीं गया हमसे। तू तो मार रहे कमांडो भाई, तू इसका वुंड डीप नहीं है, सुपरफिशियल है, लेकिन इसमें छोटे छोटे मैगट्स है, इस वाले पैर में सूजन भी है, तो जो हमने एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाए हैं उससे सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और साथ में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। इसको लूज मोशन है, क्योंकि डाइटरी चेंजेस की वजह से भी लूज मोशन हो जाते हैं। अच्छा। और ये मौसम भी ऐसा है, इनका कोई खाने का फिक्स नहीं रहता, तो डाइटरी चेंजेस रेगुलर रहते हैं, तो डायरिया स्टार्ट हो जाता है। देखा कितना खुश है ये हमारे लोकल एरिया का डॉग है, हमारे यहाँ पे जो केनाइन डिस्टेंपर ब्रेकआउट हुआ जिसके वजह से हमें डॉग्स को रिलीज करना पड़ रहा है, इसका ट्रीटमेंट स्ट्रीट कर लेंगे, जा खेल जी ले अपनी जिंदगी। ये
माय गॉड, फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया इन लोगों से। छोड़ तो इसको हमने दिया, पर यहाँ पे कहानी ने एक और ट्विस्ट लिया। इसकी वजह से कल फ्रेंच प्रेस गिर गई, इंडक्शन आधा लटका हुआ था। शैडो शैतानी कम कर करो, समझे? चलो शैतानी बहुत करता है। ये रिलीज़ हो गया था, इसको स्किन इशू था, हम लोग ट्रीट कर रहे थे पीपल फार्म पे। अभी के लिए मैं इसे फॉस्टर कर रहा हूँ और ये मेरे साथ रह रहा है। ब्रेन जिसको हमने ग्रोव से रेस्क्यू किया था, उसको क्रॉनिक स्किन डिसीज थी एक, जो कि काफ़ी बायोप्सी और स्किन टेस्ट वगैरह के बाद हमें पता चला था। उसका बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, बस बाल आने रह गए थे। वो स्ट्रीट में ही रहता है, लेकिन वहाँ पर उसको फूड वगैरह एक आंटी है वहाँ की लोकल, वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो सिरप्स वगैरह हमने उनके हाथों दे दी है, जो आगे की बेसिक मल्टीविटामिन सिरप है वो दे देंगे, और होपफुली उसकी हेयर ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगी। देखा आपने? हाँ देखा है, पहले से तो ठीक है। ठीक है, अब ब्रेन का तो ये दीदी ध्यान रखेंगी, जैसे कि आप लोग भी अपने आसपास के कुछ जानवरों का ध्यान रखते होंगे। खासकर कि सर्दियों में तो उनके लिए सोने की जगह और भरपेट खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सर्दियों की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, आखिरी काउशेड के बरामदे में भी पर्दे लग चुके हैं, और अगले कुछ महीने क्योंकि हरा घास नहीं होगा तो उसका भी जुगाड़ हमने कर लिया है। अचार होता है एक टाइप, आई डोंट नो क्या है, जाके पूछ लो। जो हम हरा घास काटते हैं ना खेत से, ये उसको प्रेस करके रखते हैं, बीच में कुछ और डालते हैं जिससे ये चीज तैयार होती है, अचार तैयार होता है। इसका नाम क्या होता है? सैलवेज। भैया क्या नाम होता है? सैलवेज बोलते हैं। साइलेज। साइलेज। आप इनको एक बार ट्रेन करना प्लीज। थोड़ा सा पीस काटना बस, इतना सा ना, उसी में से निकालना, ठीक है ना? पूरा नहीं खोल देना, सारा सड़ जाएगा। ये बेसिकली नेचुरल फीड है, ये हरी है ना, बिल्कुल हरी होनी चाहिए। अभी इसमें से सिरके की स्मेल आ रही है एक तरह से, ठीक है? आप इसको साल भर प्रिजर्व कर सकते हो, अगर ये बंद है तो। खुल गया तो 6-7 दिन में ख़त्म करना ही होता है, काला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? बस ये निकाल के सूखने डाल देना, थोड़ी देर महक निकल जाएगी, फिर तूड़ी में मिक्स करके देना, कल्ला मत देना। आपने खुद बेड्स बनाया क्या? नहीं, वो मेरी मम्मी ने बनाए, मम्मी और दादी। दादी, दादी। मैं पीपल फार्म को थ्रू सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, तो वैसे जानती हूँ। जैसे खुद तो हम नहीं कर पाते हैं इसे, बट अगर कोई कर रहा है हेल्प तो उसके थ्रू अगर हम जुड़ सकें तो फिर देट इज़ अ बेटर। अभी कुछ बुक्स भी थी, बुक्स हमारी लाइब्रेरी के लिए, थैंक यू। अब मॉब के लिए लोग हमें कह रहे हैं कि हमने उसके लिए घर नहीं ढूंढा। देखिए, घर ढूंढना एक जिम्मेदारी का काम है। हम नहीं चाहते थे कि एक एग्रेसिव डॉग को एक ऐसा व्यक्ति ले जाए जो उसको संभाल ना पाए और फिर मुसीबत में पड़े, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसके पास पर्याप्त मात्रा में समय और धैर्य हो और जो मॉब का बिहेवियर सुधार सके। लेकिन मुँह यहीं पर है, बॉस यहीं पर है, और अगर आप उनमें से किसी को घर ले जाने के इच्छुक हैं तो करिए व्हाट्सएप। बिच्छू जो हमारे यहाँ मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से आया था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा, और ना ही भुलक्कड़ जो एक कटी हुई टांग के साथ हमारे पास आया था। ड्रैगन की बीमारी का तो हमने तोड़ निकाल लिया था, पर उसको यहीं के किसी जानवर से ब्लड पैरासाइट्स लग गए जिसकी वजह से वो नहीं बचा। पर जब सफरिंग नहीं रुक सकती तो हम भी शोक मनाने के लिए नहीं रुक सकते। द शो मस्ट गो ऑन। कल्पना जी जो कि बहुत सारे रेस्क्यू केसेस में मदद करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं, उन्होंने हमें कॉल किया था एक पपी के लिए। इसकी माँ और इसके एक और सिबलिंग को वहाँ पर रिलोकेट किया गया था, जिसकी वजह से दूसरे जो डॉग्स है उस एरिया के, वो लोग अटैक कर रहे थे इन पे। लेकिन ये पपी जिसको रात में अटैक किया गया था, तब कल्पना जी ने इसे अपने घर में रख लिया और हमें इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, इसकी माँ हमने ढूंढा, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी, आप ढूंढने की कोशिश, मैं ढूंढने की कोशिश। नहीं तो डॉग बाइट है, और डॉग बाइट है, फीमर फ्रैक्चर है। उनके घर में 3 डॉग रहते हैं, बाहर वाले हिस्से में 3 डॉग रहते हैं, और भी जितने उनके एरिया में डॉग्स हैं वो उनको फीड करते हैं। अंदर भी और 3 है मेरे और 3 बाहर है। अभी आ जाएंगे, काले 2 रहते हैं और 3 है, 6 है, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं। थैंक यू, वेलकम है, बहुत क्यूट है। मैंने भी बोल रहा है तो बड़ी क्यूट है।
क्यूटू है तू। ये हमने अगले दिन इसको पालमपुर भिजवा दिया एक्सरे के लिए और वहाँ पे हाँ सच में फ्रैक्चर डायग्नोज हुआ था, फीमोरल हेड का फ्रैक्चर था और लकीली इसकी एक दिन बाद सर्जरी भी हो गई है। अभी डॉग अच्छा है, फाइन है और होप करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वेट बेयरिंग नहीं देनी है अभी टांग पे, इसको स्ट्रिक्ट केज रेस्ट दिया हुआ है। इसके ट्रीटमेंट में भी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हैं, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स हैं प्लस ब्लड फॉर्मेशन वाले सिरप्स हैं।